भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और कमलनाथ से त्रस्त होकर दिन ब दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। पांडुर्णा विधानसभा के ग्राम पालाखेर एवं मोहखेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकृष्ण माटे के गृहग्राम में लगा बड़ा झटका, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी के समक्ष नगर कांग्रेस अध्यक्ष के सहित 250 से ज्यादा युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नाना भाऊ माहौल, भाजपा नेता राजेश सिंह बैस, सावरी मंडल अध्यक्ष अरविंद सूर्यवंशी ने सभी को भगवा गमछा पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष, सरपंच और देशमुख जी जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, इनके नेतृत्व में लगभग 250-300 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इनसे कामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीति से चलते हुए आगे भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने 15 महीने के शासनकाल में भ्रष्टाचार और किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, उससे जिले के बड़ी संख्या के कांग्रेसी उठी है और हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आतुर हैं। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने झूठे वायदे किए, झूठी घोषणाएं करी, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। जनता को पता भी है कि 2 लाख रुपए कर्जा माफी के बाद युवाओं को 4,000 रुपए देने की बात करी गई, लेकिन वो कुछ किए नहीं और सिर्फ ट्रांसफर उद्योग कर करके उन्होंने लोगों को परेशान करने का काम किया है। और उसी का आज यह है कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज मोदी जी और शिवराज जी से भी प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा संस्था कर आज पालाखेड़ देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की हम लोग बात करते हैं तो आज पालाखेड़ भी कांग्रेस मुक्त हो गया। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।